आप सभी को राम राम। आज जो हम रेसिपी बनाएंगे वो तो घर में सबको पसंद आने वाली है और ख़ास करके बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। इसे बनाने के लिए हमने 1 कप भर कर मैदा लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, हल्का ही नमक डालेंगे इसमें। और इसके साथ ही साथ मोयन के लिए हमने यहाँ पर घी लिया है। आप भी जब इसे बनाइए घी का ही मोयन लगाइए, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सा बनकर तैयार होता है। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, घी का ही मोयन देंगे। और मोयन को पूरे मैदे में अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद मुट्ठी में थोड़ा सा मैदा उठाकर दबा कर देखेंगे हल्के हाथों से। अगर मैदा बंध रहा है तो इसका मतलब मोयन हमारा परफेक्ट है, और अगर नहीं बंध रहा है तो ज़रा सा घी और डाल सकते हैं। वैसे इतना घी एकदम सही था, हमने और नहीं डाला है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तैयार करेंगे। आटा बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, मीडियम टाइट लगाएंगे। देखिए जिस तरह से दिख रहा है। इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब एक कटोरी में थोड़ा सा मैदा लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच मैदा अभी लिया है और इसमें 5 चम्मच के करीब घी डालेंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा करके 4-5 चम्मच घी डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करके एक मोटा सा घोल बना लेंगे। इसे रख देते हैं साइड में। और अब मैशर में डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया साबुत और ज़रा सी सौंफ डालेंगे। इन्हें दरदरा सा कूट कर तैयार कर लेंगे। देखिए ऐसे ही इन्हें तैयार कर लेंगे। इसको भी रख देते हैं। अब हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिया है सरसों का। तेल जब गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। गैस की आंच को धीमा कर देंगे और जो हमने मसाले दरदरे किए थे उसको भी डाल देंगे इसी में। अपने टेस्ट के अनुसार कम तीखा ज़्यादा तीखा जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से हरी मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, और कद्दूकस की हुई अदरक डाल देंगे। कलछी से चलाते हुए इन्हें थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद ज़रा से हींग डालेंगे इसी तड़के में। कलछी से चलाते हुए सारी चीज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जीरा अच्छे से फूल जाए और ब्राउन हो जाए, मिर्च भी हमारी हो जाए, उस टाइम गैस की आंच को कम कर देंगे और इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और ये 4 आलू हैं उबले हुए, थोड़ा मीडियम साइज के थे, इनको हमने उबाल कर छील करके मैश कर लिया है। इन्हें डाल देंगे। साथ ही साथ 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक हमने मैदे में भी डाल रखा है तो इसी हिसाब से नमक आलू में डालेंगे। एक बार थोड़ा सा चला देंगे सारी चीज़ों को। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल लीजिए इसी टाइम पे। इसके बाद इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। और अगर आपको आमचूर पाउडर की जगह चाट मसाला डालना हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर आलू में नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है तो नमक तेज हो सकता है। मसालों को डालने के बाद गैस की आंच को मीडियम कर देंगे और इसे 2 मिनट तक गैस पर चलाते हुए भून लेंगे। लास्ट में हरी धनिया हो तो ज़रूर डालिए और मिक्स कर दीजिए। और अब इसे ठंडा होने देते हैं। ये बनकर तैयार है। मैदे को रखे हुए भी करीब 10-12 मिनट हो गए हैं तो इसे एक बार अच्छे से मसल लेंगे। और मसलने के बाद इसका एक लंबा सा रोल तैयार करेंगे और फिर इनकी लोइयां कट करेंगे। मैंने यहाँ पर चाकू लिया है, फटाफट से इसी से बराबर के 6 लोइयां तैयार की हैं। इतने आटे में 6 लोई बनकर तैयार हुई है। इन्हें ढककर रख देते हैं और 1 लोई लेंगे। अगर आप चाहें तो ऐसे ही बेल लें, या फिर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा सूखा मैदा बुरक लें और इनकी पतली पूरियां बेल कर तैयार करेंगे।
जितना पतला हो सके उतना पतला इन्हें बेल कर हम तैयार करेंगे। सारी पूरियां हम ऐसे ही बेल कर तैयार कर लेंगे पतली पतली। और अब हम एक पूरी लेंगे, उसे रखेंगे और जो हमने साटा तैयार किया है उसको एक बार चम्मच से अच्छे से चला लेंगे और थोड़ा सा साटा इसी पूरी पर डालेंगे और इसको अच्छे से पूरी रोटी पर फैलाएंगे, कहीं भी बाकी ना रहे, हर जगह इसे लगा देंगे अच्छे से। मैंने यहाँ पर हाथ से ही लगाया है, हाथ से बहुत बढ़िया लग जाता है, ब्रश से इतना बढ़िया नहीं लग पाता है, तो मैं हाथ से ही लगाती हूँ। अच्छे से इसे पूरी पूरी पर फैलाना है। जब ये पूरी रोटी पर अच्छी तरह से लग जाएगा उस टाइम हम इनके ऊपर ज़रा ज़रा सा मैदा बुरक देंगे, मैदे की एक पतली सी लेयर डाल देंगे पूरी रोटी पर। तो मैंने यहाँ पर मैदे को छन्नी में रख लिया है और उसी की सहायता से ज़रा ज़रा सा पूरी रोटी पर इसे गिरा दिया है। इससे बहुत ही जल्दी हो जाता है और बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसके बाद इसे भी उंगली से फैला देंगे और अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे। अगर रोटी छोटी हो तो भी कोई बात नहीं है, ये मैदा है, स्ट्रेचेबल होता है, तो इसे हम पकड़ पकड़ कर धीरे धीरे खींच कर ला कर किनारों पर अच्छे से चिपका देंगे। जो नीचे वाली रोटी है उसी के बराबर इसको भी कर देंगे फैला कर। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। देखिए जिस तरह से हम कर रहे हैं, अगर आपकी पूरी छोटी हो तो ऐसे ही इसे ला कर चिपका देंगे। और अब इसके ऊपर फिर से मैदे वाला घोल डालेंगे और इसको फिर से अच्छे से चारों तरफ फैलाएंगे। इसे घर में बनाने में थोड़ा सा समय तो ज़रूर लगता है, पर बाहर की चीज़ें खाने से अच्छा है कि हम घर में ही बनाकर खा लें, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ नहीं खाई जाती हैं, कभी कभी ही इनको खा सकते हैं, इसीलिए कि जब खाने का मन हो तो घर में ही बना लें, बाहर के पैक वाले सामान से तो बेहतर ही होता है। सारी रोटी पर जब हम फिर से साटा फैला लेंगे तो हमें फिर से उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा बुरकना है चारों तरफ अच्छे से, हल्का हल्का सा। इसके बाद इसे हम फिर से हाथ से अच्छे से बराबर कर देंगे और इसके ऊपर एक और रोटी लगाएंगे। इसी तरह से हमने जो 6 रोटियां बेली हैं सबको एक के ऊपर एक रखकर चिपकाते जाएंगे और लास्ट वाली रोटी के ऊपर भी हम साटा फैला देंगे और उसके बाद सूखा मैदा उसके ऊपर भी बुरक देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी रोटियों को एक के ऊपर एक रख लिया है और ये लास्ट वाली है, इस पर भी हमने अच्छे से साटा फैला दिया है और अब ये सूखा मैदा बुरक रहे हैं। इसकी भी एक पतली सी लेयर ऐसे बुरक कर इसको बराबर कर लेंगे और अब हम सारी रोटियों को एक साथ पकड़ेंगे और इसको अपने आगे की तरफ लाते हुए एक टाइट सा रोल तैयार करेंगे। धीरे धीरे इन्हें अपनी तरफ खींचते जाएंगे और ये अच्छे से रोल बनकर तैयार हो जाता है। अब इसको फिर से जब ये सारी रोटियां रोल बन जाए तो इनको अपने आगे की तरफ ही करते हुए हमें ऐसे ही चला लेना है थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और बढ़िया सा रोल बनकर तैयार हो जाए। अब हम इनकी लोई कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रील ली है लोइयों को कट करने के लिए। अगर आपके पास तेज़ धार वाली चाकू हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, पर चाकू बढ़िया से तेज़ होनी चाहिए, नहीं तो इनके जो जो लेयर दिख रहे हैं वो ख़राब हो जाएंगी अगर चाकू सही नहीं होगी तो। तो अगर चाकू सही ना हो तो रील से ही कट कर लेंगे, इससे भी बहुत ही आसानी से लोई हमारी कट जाती है और इनकी लेयर भी नहीं ख़राब होती है। सारी लोई कट करने के बाद इन्हें हम ढक कर रख देंगे। अब हम एक लोई उठाएंगे और इसको इस तरह से रख कर हथेली से थोड़ा चपटा कर देंगे और इसे बेलन से हल्के हाथों से बेलेंगे। अगर किसी लोई का किनारा खुल भी जाता है तो इसमें हम ज़रा सा पानी लगाकर इसे फिर से चिपका देंगे और ज़रा ज़रा सा प्रेशर डालते हुए इनकी पतली सी पूरियां बेल कर तैयार कर लेंगे।
अब इसे तिकोना शेप देने के लिए इसके किनारों को हम थोड़ा थोड़ा सा काट कर निकाल देंगे चाकू से। आपको जो शेप पसंद हो उस शेप में इसे बना सकते हैं। अगर ट्रायंगल शेप में बनाना है तो किनारों को चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा लंबा पट्टी निकालना पड़ेगा। चारों तरफ से निकालने के बाद किनारों पर ज़रा ज़रा सा पानी लगा देंगे उंगली से, और चारों तरफ पानी लगाने के बाद ज़रा से स्टफिंग इसके बीच में रखेंगे और फिर इसे पकड़कर चिपका देंगे। इसे हम थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हुए चिपकाएंगे, बाहर के कॉर्नर पर बहुत ज़्यादा दबाकर नहीं चिपकाएंगे, नहीं तो लेयर बढ़िया बनकर नहीं आएगी। किनारों को हल्का हाथ से चिपकाएंगे और उसके अंदर थोड़ा सा जाकर थोड़ा सा तेज़ चिपका देंगे। और इसी तरह से हम सारी पूरियां बेलेंगे, किनारों को कट करेंगे और इन्हें पैक कर लेंगे। अगर शेप बनाने में दिक्कत हो रही हो तो देखिए जिस तरह से हम कट कर रहे हैं उस तरह से रख कर कट करेंगे तो इसका तिकोना शेप कभी भी ख़राब नहीं होगा, हमेशा बढ़िया ही बनकर आएगा। साइड में पानी लगाएंगे, पूरियां बेलेंगे, कट करेंगे और साइड में पानी लगाएंगे, बीच में स्टफिंग रखेंगे, किनारों को उठाकर पकड़ेंगे, स्टफिंग को अंदर की तरफ करते हुए स्टफिंग के किनारे किनारे ही प्रेशर डालकर हम चिपकाएंगे, बाकी आगे की तरफ हल्का सा ही प्रेशर डालेंगे। ये देखिए बाकी की बची हुई हम सारी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अब हमने तेल चढ़ा दिया है, तेल गरम भी हो गया है, थोड़ा सा आटा का टुकड़ा हमने डालकर देखा, तेल बढ़िया गरम है, ऐसे ही गरम हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, हल्के गरम तेल में ही हम इनको डालेंगे फ्राई होने के लिए। धीमी धीमी आंच पर ही इनको फ्राई करेंगे, बीच बीच में ज़रूरत के हिसाब से आँच को मीडियम भी कर लेंगे, लेकिन तेज़ आँच पर इन्हें कतई भी फ्राई नहीं करेंगे। तेज़ आँच पर अगर हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये इतने ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनकर नहीं तैयार होंगे और ऊपर से सुनहरे भी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे और इनका टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इन्हें हल्के गर्म तेल में ही डालेंगे और धीरे धीरे सिकने देंगे, पलट पलट कर दोनों साइड से इन्हें सुनहरा होने तक सेकेंगे। और ये देखिए ये दोनों साइड से बढ़िया से पक गए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इन पर और कितने बढ़िया और खस्ता दिख रहे हैं। इन्हें निकाल लेते हैं बाहर और अब जो बाकी के बचे हुए हैं उन्हें भी हम डालेंगे। जितना तेल हमने कढ़ाई में डाला है इतने में जितने पीस आसानी से आ जाएं सीखने के लिए उतने ही डालेंगे, ताकि इन्हें अच्छे से सीखने का मौका मिले और ये बढ़िया सा फूल सकें। ये भी दोनों साइड से अच्छे से सुनहरे हो गए हैं, इन्हें भी हम बाहर निकाल लेंगे। अगर बेलते समय आपको इन्हें तिकोना शेप ना देना हो तो आपको जो भी शेप आसान लगता हो आप उस शेप में इन्हें बनाइए, टेस्ट तो वही आता है, शेप से कुछ नहीं होता। और ये देखिए हमने इतने सारे तैयार कर लिए हैं, देखने में ही पता चल रहा है कि इतने ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। थोड़े से हमारे कढ़ाई में सीख रहे हैं, बाकी के हमने तैयार कर लिए हैं। आप एक बार ऐसे बनाइए, बाज़ार से भी बेहतर टेस्ट आपको मिलने वाला है, घर पर बना हुआ अपने हाथों का और 100% शुद्ध है। तो आगे से जब कभी आपकी इच्छा हो आप इन्हें घर में बनाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए अपनी पसंद की चटनी के साथ। बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी घर पर बनी हुई पेटीज हमारी तैयार है।